मैं आप सभी लोग को यह बताना चाहता हूं कि श्री विजय राठौर, जिनका कि मुंबई में कोरोना का टेस्ट हुआ था और वो पॉजिटिव पाए गए थे, उनसे कॉन्टैक्ट में आए हुए सभी लोगों को हमने ट्रेस कर लिया है और जो भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं उन सभी को हमने हॉस्पिटल में लाकर क्वारंटाइन फैसिलिटीज में रखा हुआ है। उन सभी के सैंपल्स हमने टेस्ट करने के लिए भेज दिया है। जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट के साथ जो उनके परिवारजन या बाकी लोग जो उनके कॉन्टैक्ट्स में आए हुए थे, उन सभी को भी हम लोगों ने आइसोलेशन फैसिलिटीज में फिलहाल के लिए रखा हुआ है और उनके सैंपल्स भी हमने जो है टेस्ट करने के लिए भेज दिया है। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह की अगर फ्लू हो या आपको सिम्टम्स हो तो आप उसको कृपया कर छुपाएं नहीं, आप हमें बताएं ताकि कि हम सही समय पर सही कार्रवाई हम लोग कर पाएं। क्योंकि इन्होंने जो है विजय राठौर जी ने अपनी बीमारी को छुपाया था और जो दो डॉक्टर्स इनका इलाज कर रहे थे वो गलत था और इस चीज को उन्होंने बताया नहीं, तो हमने इन लोगों के अगेंस्ट में FIR भी दर्ज किया है और आगे कानूनी कार्रवाई भी इनके अगेंस्ट में की जाएगी। मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सही चीज सही इन्फॉर्मेशन आप बताएं। अभी पूरे नरोली खरटपाड़ा और नजदीक के विस्तार में पूरा सर्वे हम लोग करवा रहे हैं। हेल्थ की टीम हर एक घर जाके सर्वे कर रही है, लोगों को जो भी वहां पर है उनसे पूछताछ कर रही है कि आपके यहाँ पे कोई भी ऐसे सिम्टम्स है आप हमें बताइए, कृपया कर उसमें सहयोग करें और सही जानकारी दें। ये सर्वे हम सिलवासा के सभी विस्तार में, साथ ही यहाँ से जुड़े हुए जो पटेलाज है वहां पर भी हम लोग करवा रहे हैं। इसमें कि आप सभी लोग का सहयोग जरूरी होगा और जो भी टीम आती है आप पॉजिटिव तरीके से उन्हें सभी इन्फॉर्मेशन दें ताकि कि कोई भी फ्लू के केसेस या फिर कोई भी ऐसा केस जिसमें कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है तो उसको जो है हम लोग करवा सके। तो कल से हमारा इंटेंसिव सर्वे सिलवासा के विस्तार में सभी जगह स्टार्ट हो जाएगा और मेरा यहाँ के नागरिकों से अनुरोध है कि आप कृपया कर उसमें सहयोग करें और सही जानकारी दें। अगर सर्वे टीम अगले 3 से 4 दिनों में आपके पास में नहीं आती है या आपको किसी भी तरीके का इसमें संदेह होता है, आप ये जानकारी 1077 पे दे सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसी जानकारी, कोई भी ऐसा फ्लू केस या आपको लगता है कि आपके आसपास में है तो उसकी भी जानकारी आप 104 हेल्पलाइन या 1077 हमारे कंट्रोल रूम के नंबर पे या आप पर्सनली हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। कोरोना वायरस से अगर हमें बचना है तो इसमें सावधानी बरतनी होगी और इससे पहले कि कोरोना वायरस फैले हम सभी को जो है सही जानकारी लेकर उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। धन्यवाद।